अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल का परीक्षाफल आज घोषित कर दिया है। सैनिक विहार के श्रेयांश ने मेरठ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर कंकड़ खेड़ा मेरठ में पढ़ने वाले श्रेयांश ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरी टॉपर मवाना मवी गांव की सभी विनीत यादव रही हैं। सभी ने 562 अंक प्राप्त किए हैं। हाईस्कूल परीक्षा परिणाम में मेरठ में तीसरे स्थान पर मोहित सैनी हैं। श्रेयांश बड़े होकर IAS बनना चाहता है। इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए श्रेयांश कुमार ने यह कहा। श्रेयांश कुमार, श्रेयांश कौन सी क्लास का रिजल्ट आया आपका? 10th क्लास। क्या रैंक आई है? फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कैसा लगा टॉपर बनके? बहुत अच्छा। क्या बनने का है फ्यूचर? IAS। तो किस तरीके से फैमिली की सपोर्ट क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा लोको पायलट हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और हमारी टाइल्स की शॉप है। तो घर में कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं। तो किस तरीके से घर में कोरोना काल भी चल रहा था, किस तरीके से आपने पढ़ाई को और सब चीज़ को मैनेज किया है? दरअसल जो मेरे फादर हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी, उन्होंने मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला कि जो नंबर आएंगे, जैसे भी आएँ, अच्छे हैं बुरा हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, अपनी मन लगा के मेहनत करो। तो इसलिए मैंने अपनी मन लगा के मेहनत की है और ये फल पाया। पापा से बात हुई उनका, किस तरीके से की खुशी जाहिर की है? पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 94 आएंगे। सब कैसा महसूस कर रहे हैं जिले में? पूरे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वहीं सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर कंकड़खेड़ा के प्रधानाचार्य ने यह जानकारी दी। सिंह प्रधानाचार्य सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज कंकड़खेड़ा मेरठ। आज हाईस्कूल का रिजल्ट आया है तो उसमें जो हमारे यहाँ श्रेयांश कुमार एक बालक अध्ययनरत है उसके 93.83% अंक प्राप्त किए हैं उसने और मेरठ ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से उनके परिवार को उसको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बालक जो है कक्षा शिशु से ही यहाँ पढ़ रहा है। इसके 2 भाई बहन और हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। बड़ी बहन तोसा इंटर में है और दिव्यांश कक्षा 8 में है, वो नुमाया है इस बार ऐसा करके। और इनके पिताजी रेलवे में ड्राइवर हैं। परिवार बहुत संस्कारित है और बालक का शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा रुझान रहता है। तो मेरी उन्हें उनको शुभकामनाएं हैं। आगे भी ऐसे ही वो अच्छे अंकों से पढ़ता रहेगा, प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं अपना उज्ज्वल भविष्य करेगा। मेरी बार बार शुभकामनाएँ। उधर दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य दीप्ति राघव का यह कहना है। जी मैम, क्या नाम है? मैं दीप्ति राघव, प्रधानाचार्य दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज। हमारे कॉलेज का रिजल्ट 98% रहा और कुमारी आर्ची ने हमारे यहाँ टॉप किया है जिसके नंबर है 85.6%। इस मौके पर कॉलेज में कुछ छात्राओं से बात की गई तो उनका यह कहना था। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 10th की छात्र हूँ। जिस अब मैं पास हो गई हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं इसका श्रेय जो है अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और प्रिंसिपल को, हमारे इस स्कूल को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड कराई जिस वजह से हम पास हुए। हम सब छात्र बहुत खुश हैं। थैंक यू। 73। मेरा नाम जायदा है, मैंने कक्षा 10 दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज से पास की है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे 82% आए हैं। मैं अपने मॉम डैड को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने मुझे हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है, एंड माय आल्सो माय टीचर्स, वो भी मुझे बहुत इंकरेज करती थी, इसलिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।